नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चहेता दोस्त नरेंद्र देव, स्वागत है आपका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के वीडियो में। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में कि ये कहां तक पहुंच चुका है और कितने दिनों में ये चांद पर पहुंच जाएगा। और दोस्तों, चंद्रयान 3 ने ऐसी तस्वीरें और वीडियो भेजे हैं कि जिन्हें देखकर दुनिया वालों के होश उड़ गए। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 ने कैसी तस्वीरें और कैसे वीडियो भेजे हैं ये जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियो में लास्ट तक और देखें कि क्या भेजा है चंद्रयान 3 ने और ये अभी भारत का सैनिक कहाँ है और कब तक चांद पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 दहाड़ मारता हुआ चांद की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की इस दहाड़ से नासा और चीन भी घबराए हुए हैं। चंद्रयान 3 ने ऐसी भयानक तस्वीरें भेजी हैं जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके हैं। जिन तस्वीरों के अंदर बहुत सी अजीब चीजें नजर आई हैं। दोस्तों, चंद्रयान जब से चंद्रमा की कक्षा में गया है तब से वहां से बराबर लगातार रहस्यमयी खुलासे कर रहा है। सबसे पहले तो चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद वहां से उसने सबसे पहला मैसेज भेजा कि मैं चंद्रयान 3 हूं और मैं चांद की कक्षा में पहुंच चुका हूं और मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। और ये मैसेज इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी ला रहा है। लेकिन चंद्रयान 3 ने अभी नई और ताजा तस्वीरें भेजकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चांद की दुनिया वीरान पड़ी थी, फिर उसके अंदर आखिर चंद्रयान 3 को क्या नजर आया। चंद्रयान 3 को चांद के नजदीक जाने में जो मुश्किल पड़ाव थे, उन सभी मुश्किल पड़ावों को बड़ी आसानी से चंद्रयान 3 ने पार कर लिया है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में आप ये सोच जरूर रहे होंगे कि आखिर उन तस्वीरों में ऐसा क्या नजर आया और चंद्रयान 3 चांद के कितने नजदीक पहुंच गया है। दोस्तों, चांद पर जाने की ये वैज्ञानिकों की होड़ अभी से शुरू नहीं हुई है, बल्कि जब से अमेरिका ने इंसान को चांद पर उतारा था उस समय भी रशिया की अमेरिका से होड़ लग गई थी। लेकिन आज तक के जितने भी मिशन चांद पर किए गए थे उनमें से किसी भी मिशन ने चांद पर दक्षिण वाले हिस्से में पहुंचने का सोचा भी नहीं था। लेकिन इसरो के चंद्रयान 3 के मिशन ने चांद पर पहुंचने के पहले ही दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान करना शुरू कर दिया। यानी दुनिया के वैज्ञानिक तो ये देख रहे थे कि चंद्रयान 3 चांद पर उतरने के बाद कुछ जानकारी भेजेगा, लेकिन भारत के इस मुसाफिर ने तो उतरने से पहले ही कमाल कर दिया। और अभी हाल फिलहाल के ताजा अपडेट के बारे में बात करें तो इसरो ने जानकारी देते हुए बताया है कि चंद्रयान 3 चांद के बहुत करीब पहुंच चुका है। अभी चांद के तीसरे राउंड में चंद्रयान 3 चक्कर लगा रहा है, जहां पर इसकी चांद से लगभग सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर है और सबसे दूर की दूरी 1437 किलोमीटर है। कहने का मतलब अब वह दिन दूर नहीं जब चंद्रयान 3 चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। दोस्तों, 14 अगस्त तक तो इसने इसी कक्षा में चक्कर लगाया, लेकिन 14 अगस्त 2023 के दिन में दोपहर 11:30 से लेकर 12 बजे के बीच चंद्रयान 3 अगली कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ही चंद्रयान 3 चांद के नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव चांद की जमीन पर सही सलामत उतरना है। और उसके बाद सभी लोग 16 अगस्त 2023 की राह देख रहे हैं। यह दिन हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 3 इस दिन अपने मकसद के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका होगा। दरअसल यही वो दिन होगा जब इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग होगा, और ये ऐसे होगा कि इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले जो हुक लगे हुए हैं उनको वैज्ञानिक खोल देंगे। इसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जाएगी और आगे के हिस्से की रफ्तार स्थिर रखी जाएगी, ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और पीछे वाला हिस्सा बिना किसी नुकसान के अलग हो जाए। इसके बाद चंद्रयान 3 दोनों ही सिलेंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की 100x100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग राउंड काटते हुए लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ेगा, और यहां से आगे बढ़ने का सफर इसके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दें कि आखिर चंद्रयान 3 ने ऐसी क्या खुशखबरी भेजी है। दरअसल चांद के जिन गड्ढों की बात दुनिया के वैज्ञानिक कर रहे थे, उन गड्ढों को चंद्रयान 3 ने असल में बता दिया। दोस्तों, चांद के दक्षिण वाले इलाके में बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, उनमें से कई गड्ढों का आकार तो कई किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसे गड्ढों को देखकर कोई भी स्पेस एजेंसी वहां पर अंतरिक्ष यान को उतारने से पहले कई बार सोचते हैं। इन्हीं डरावने गड्ढों की तस्वीरें चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को भेजी। इन तस्वीरों को देखकर इसरो के वैज्ञानिकों की आंखें खुशी से भर गई। जब चंद्रयान 3 के अंदर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने चांद की खूबसूरत तस्वीरें कैप्चर की। फोटो के अलावा चंद्रयान 3 ने वहां का लगभग 45 सेकंड का वीडियो भी बनाया, जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे देखकर हर एक भारतीय का सीना
चौड़ा हो चुका है। दोस्तों अगर आप अगले प्लान की बात करें तो वैज्ञानिक अब धीरे धीरे उसके ऑर्बिट को छोटा करते जाएंगे और इस हिसाब से चंद्रयान 3 चांद के बिल्कुल नजदीक चला जाएगा। लेकिन इसका जो चांद पर नीचे उतरने का प्रोसेस शुरू होगा वह उस समय होगा जब चंद्रयान 3 चांद से लगभग 36 किलोमीटर पर होगा और वहां से चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव में मौजूद अपनी लोकेशन को देखेगा। दोस्तों चंद्रयान 3 धीरे धीरे अपने ऑर्बिट बदलकर चंद्रमा की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि जिन देशों ने चंद्रमा पर सीधे लैंडिंग करने की कोशिश की वो सभी अंतरिक्ष यान क्रैश हुए हैं। लेकिन इसरो की सूझबूझ से हमारा मिशन सफलता की ओर कदम बढ़ा रहा है और उम्मीद है कि इस बार हमारा लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इस बार अंतरिक्ष यान में जो उपकरण लगाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस और हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं। चंद्रयान 3 को हर परिस्थिति में सटीक जानकारी देने वाले लेजर डॉपलर नाम का उपकरण इसके अंदर लगाया गया है। इसका काम चांद की जमीन पर उतरते वक्त चांद पर लेजर फेंकना है ताकि दूर से पता चल जाए कि जिस जगह लैंडर को उतरना है वहाँ पर कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं है। इसके अलावा ये दो दिशाओं में और भी लेजर भेजेगा ताकि पता चल सके कि पीछे आगे और साइड में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे चंद्रयान टकरा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर और एक उपकरण लगा हुआ है जिसे LVC कैमरा के नाम से जानते हैं। इसका काम है लैंडर के उतरते समय जमीन के नीचे की तस्वीर लेना। ये चांद की सतह पर उतरने से पहले टोटल 5 ऑर्बिट से होकर गुजरेगा और इस प्रक्रिया के दौरान इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। चांद की कक्षा में पहुंचने का सिलसिला 6 अगस्त 2023 से शुरू हुआ था। उस दिन रात 11 बजे के आसपास वैज्ञानिकों ने इसके ऑर्बिट में बदलाव करके इसे चांद की अगली कक्षा में डाल दिया था और फिर इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त के दोपहर 2 बजे करीब 4 से 5 हजार किलोमीटर की हाइट पर पहुंचा हमारा चंद्रयान 14 अगस्त दोपहर 12 बजे के आसपास चौथे ऑर्बिट पर पहुंच चुका है और अब इसमें चांद और इसकी दूरी केवल 20,000 किलोमीटर की रह गई है और 16 अगस्त की सुबह 8:30 के आसपास पांचवें और अंतिम कक्षा में एंटर करेगा और उस समय ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद का गोलाकार चक्कर लगा रहा होगा। 16 अगस्त का दिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। साथ ही ये मिशन का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल इसके लैंडर से अलग हो जाएगा। इसके बाद 18 और 19 अगस्त का दिन भी इसके लिए बहुत ही खास क्योंकि उस दिन चंद्रयान के डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया भी की जाएगी। आसान भाषा में कहें तो जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा उसे भी धीरे धीरे राउंड के जरिए कम किया जाएगा और इसके बाद चंद्रयान की असली कहानी शुरू होगी जिसका वैज्ञानिक पिछले 42 दिनों से इंतजार कर रहे थे। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हमारा लैंडर हमारा भारतीय हीरो चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा और दोस्तों यह हर भारतीय के लिए गर्व का समय होगा। मगर दोस्तों अभी चांद की सतह पर चंद्रयान 3 का पहुंचना बहुत ही लंबा सफर है और यह समय चंद्रयान 3 के लिए इतना नाजुक है कि इसके ऊपर हर समय कोई ना कोई मुसीबत मंडराती रहेगी और इसे कदम कदम पर अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में खुद इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि अब असली खतरों का खेल शुरू हो चुका है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस मिशन के सफल होने की दुआएं आप हमें कमेंट में जरूर करते रहें। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों हमारे वीडियो में आज इतना ही था। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।